गुड आफ्टरनून एवरीवन, सॉरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. है बेटा, हाँ जी, अच्छा ठीक है. आप यहीं बैठ रहे हो ना, तो बैठ रहे हो फिर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अब ठीक है. हाँ भाई, सेकंड ईयर. आप लोगों के मुझे टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो है अभी गिल स्ट्रक्चर के बारे में. हम बात कर रहे थे पैलेमोन के, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है ना, जिसमें हम लोगों ने कल किसके बारे में बात की थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ पैलेमोन. ठीक है, तो चलें फिर बात कर लेते हैं आज. कल एक डायग्राम बनाया था बट उसके बारे में हम बता नहीं पाए थे, है ना, तो चलें वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं फिर हम. मैम चौक ले आइएगा. है इसमें फिर ठीक है, बस थैंक यू. ना 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 ना, ही गिर जाएंगी, रहने दीजिए आप. सॉरी, हाँ इंग्लिश मीडियम की है.
हाँ भाई सेकंड ईयर, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ गिल के बारे में, ठीक है। जैसे कल आप लोगों को इसका सिर्फ डायग्राम बताया था जो शायद नीचे की तरफ होने की वजह से दिखा नहीं था, ठीक है। तो आज रात के बाद डिस्कस कर लेते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी पहले मोन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है, कि इसमें कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। फर्स्ट इज गिल, ठीक, जिसके बारे में हम लोगों ने कल स्टडी किया था, जिसमें ब्रैंकियल फॉर्मूला वगैरह सब चीज हम लोग कल बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें गिल के स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है क्लास, पहली बात ये कैसा होता है, फाइलो ब्रैंक होता है। फाइलो ब्रैंक से मी मतलब है फाइलो मीन इज अ, ये फाइलो टर्म जो है ये रेफर करता है किसे, लीफ को, ठीक है। तो मतलब ये जो जितने भी गिल्स होते हैं पैलेमोन में वो किस स्ट्रक्चर में होते हैं, वो होते हैं एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, कल भी बताया था, इसमें तीन लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स होती हैं, थ्री लॉन्गिट्यूडिनल, दिख रहा है ना क्लास, हाँ, थ्री लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। थ्री लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स से मतलब है इसमें थ्री, यहाँ इस डायग्राम में देखें जरा, यहाँ एकदम परफेक्टली शो हुई है। इसमें दो, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये दो होती हैं आपकी लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, ठीक है। क्या होते हैं, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल फर्स्ट इज, और एक होता है मीडियन। तो देखें, एक है आपका मीडियन जो कि बीच में बनेगा, अभी थोड़ी देर में आप डायग्राम देखेंगे तो ये डायग्राम कुछ आप इस फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, जिसमें ये दो चैनल जो हैं वो होंगे आपके लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, ठीक है, जो लेटरल साइड में है, और वन होता है आपका मीडियन की तरफ, ठीक। तो टोटल होगा इसमें थ्री लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स, ठीक। उसमें भी इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इस तरह से कनेक्टिव, कौन सा, ट्रांसवर्स कनेक्टिव, ये देखें, ठीक है, इस तरह से ये एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़ी रहती हैं, ये जुड़ती हैं ट्रांसवर्स कनेक्टिव के थ्रू, ये रहे देखिए, यहाँ ट्रांसवर्स कनेक्टिव के थ्रू ये एक चैनल्स जो है एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और कनेक्शन जो है ट्रांसवर्स कनेक्टिव की वजह से ये कैसा हो जाता है, थोड़ा सा ये लैडर टाइप हो जाता है। लैडर समझते हैं ना, सीढ़ी नुमा थोड़ी सी एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, जो भी थोड़ी देर में जब हम बात करेंगे तब बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कल भी बताया था कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं गिल स्ट्रक्चर, ठीक है, पहली बात तो ये फाइलोब्रैंक है, और दूसरी बात इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ क्रीसेंट टाइप का, बताया था किस शेप में होता है, क्रीसेंट टाइप में होता है। इसमें ये जो बुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसे हम बोलते हैं गिल प्लेट्स, क्या बोलते हैं इसे हम, इसे बोला जाता है गिल प्लेट्स, ठीक है। गिल प्लेट्स जो है ये अंदर की तरफ जुड़ती हैं और बनाती हैं आपकी गिल रूट, क्या बनाती हैं, गिल रूट, मतलब ये जो आपकी गिल है ये अपने वर्टिकल शेप में जुड़ती है किससे, गिल रूट से, और ये गिल रूट जो है इसी में से ब्लड वेसल्स वगैरह जो है वो अंदर और बाहर आती जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या चीज प्रेजेंट होगी, गिल रूट जो प्रेजेंट है उसी में से ब्लड वेसल्स और चैनल्स वगैरह क्या है वो अंदर और बाहर आते जाते हैं गिल रूट से, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसमें, ये तो खैर आप लोगों ने समझ ही लिया होगा थ्री लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स के बारे में, ठीक। चलें तो अब बात कर लेते हैं इसमें हम इसके हिस्टोलॉजिकल डायग्राम पर। मैम कप वो नहीं है, क्लॉथ साफ करने के लिए, या इसके नीचे ये रहा है, सॉरी। ठीक है, देखिए क्लास एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ गिल के बारे में, ठीक है। वो भी स्ट्रगल गिल किसका है, ये पैलेमोन में, ठीक। पैलेमोन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो कैसा होता है, फाइलोब्रैंक होता है, मतलब इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, थोड़ा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, थ्री लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स या थ्री लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स प्रेजेंट रहते हैं। थ्री लॉन्गिट्यूडिनल्स का मतलब हो जाता है टू जो है दैट इज अ लेटरल, ठीक है। यहाँ पे दो चैनल्स कैसे होंगे आपके, लेटरल चैनल्स हैं ये साइड के, और वन होता है मीडियन चैनल, ठीक
ठीक है, ये एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़ते हैं, ट्रांसवर्स कनेक्टिव के थ्रू एक दूसरे से जुड़ते हैं, और ये ट्रांसवर्स कनेक्टिव जिस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है तो हमें कैसा वो मिलता है स्ट्रक्चर देखने के लिए, जैसे लैडर होती है, लैडर मतलब सीढ़ी नुमा यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ये जो गिल्स होती है, ठीक है, ये जो गिल है ये किससे जुड़ी रहेगी अंदर की तरफ, ये जुड़ती है आपकी गिल रूट से, किससे जुड़ती है, गिल रूट से जुड़ती है। ये गिल रूट में से क्या चीज, ब्लड वेसल्स, ये सब चीजें क्या होती है, अंदर और बाहर जाती हैं। अगर हम बात करें गिल्स में तो इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगी, गिल प्लेट्स, क्या प्रेजेंट रहती हैं, गिल प्लेट्स। ये गिल प्लेट्स जो होती है क्लास, ये बीच में तो थोड़ी बड़ी होती है, साइड में थोड़ी छोटी हो जाती है, इसीलिए जो शेप मिलता है हमें कैसा मिलता है, क्रीसेंट टाइप मिलता है। ठीक है, ये जो क्रीसेंट शेप जो है हमें किसकी वजह से मिलता है, गिल प्लेट्स की वजह से मिलता है, क्योंकि गिल प्लेट्स जो है वो कॉर्नर में छोटी होती है जबकि बीच में थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ गिल क्लियर हुआ आप लोगों को, यस गुड। एक सेकंड में इसको जरा ज्वाइन करूं, ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, देखते हैं ज्वाइन करूं। हाँ भाई जरा ध्यान दीजिएगा अब, यस मैम गुड ज्योति एंड भारद्वाज। चले अब हम बात कर लेते हैं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गिल। हिस्टोलॉजिकल की बात करते हैं तो जब हम इसका क्या देखेंगे, टी एस सेक्शन देखते हैं, तब हमें क्या क्या चीज देखने के लिए मिलेंगी, जो स्ट्रक्चर में आपने यहाँ पर देखे हैं सेम चीजें आपको उसमें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर तो भाई सेम ही रहेगा ना, सिर्फ सिर्फ टी एस की वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज मिलेगा, लेकिन उसके जो नेम्स हैं, जो लेबलिंग है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, चलिए मैम आपने बच्चों को हटाया था क्या, तो मैंने ज्वाइन करा दिए, ज्वाइन करा दिए मैंने, मुझे पता नहीं था, आप बताकर नहीं लेंगे,
हाँ भाई, यहाँ हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ गिल, ठीक है। तो क्लास, यहाँ पर जब हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है, 3 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं ये होते हैं, एक्चुअली कॉर्नर में ना होकर ये लेटरल साइड में होते हैं। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं इन्हें, हम बोलते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल। एक चैनल आपका बीच में प्रेजेंट होता है, दिस इज द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, ठीक है। ये आपस में किसके थ्रू जुड़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है गिल बेस। क्या प्रेजेंट होता है, ये गिल बेस। और ये जो गिल बेस होता है क्लास, ये एक्चुअली बना होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू से। किससे मिलकर बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी इसमें, ठीक है, अगर हम गिल्स में बात करें, इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो बनी होती है आपकी एपिडर्मिस से। किसकी, एपिडर्मिस होती है ये, ठीक है। और ये एपिडर्मिस जो होती है ये होती है एक्चुअली सिंगल लेयर। कैसी होती है ये, सिंगल लेयर। अब एपिडर्मिस के ऊपर भी एक एपिडर्मिस जो होती है एक्चुअली, ये किसका करती है सीक्रेशन, क्यूटिकल का। किसका करती है, क्यूटिकल का सीक्रेशन करती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक क्यूटिकल का एक लेयर आ जाता है, ठीक है ना। गिल के ऊपर वैसे तो देखा जाए एपिडर्मिस ही होती है आउटर मोस्ट लेयर, लेकिन क्या होता है, ये एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल का सीक्रेशन करती है, जिसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, क्यूटिकल की लेयर इस पर चढ़ जाती है। ये क्यूटिकल जो होती है ये भी कैसी होगी, एपिडर्मिस की जैसे ही सिंगल लेयर होती है। कैसी होती है, सिंगल लेयर होती है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें इसमें हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की, तो गिल्स में 2 टाइप्स की सेल देखने के लिए मिलेंगी ये, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं क्लास, फर्स्ट इज पिगमेंटेड सेल एंड सेकंड इज ट्रांसपेरेंट सेल, ठीक। ये पिगमेंटेड सेल और ट्रांसफर सेल्स जो होती हैं, ये दोनों सेल्स एक दूसरे में अल्टरनेटिव सिस्टम में रहती हैं। अल्टरनेटिव समझते हैं ना, एक के बाद एक आना। जैसे पहले जैसे पिगमेंटेड सेल है तो उसके बाद फिर ट्रांसपेरेंट, फिर पिगमेंटेड, आफ्टर दैट फिर ट्रांसपेरेंट, पिगमेंटेड ट्रांसपेरेंट, पिगमेंटेड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या प्रेजेंट रहती है, एपिडर्मिस में 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, जो एक दूसरे से किस फॉर्म में रहेगी, ये रहती है हमेशा अल्टरनेटिव फॉर्म में, ठीक है, क्लियर। एक बार और देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं इसके हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर थोड़ी देर पहले ही बताया है, गिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें प्रेजेंट होती है 3 लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल चैनल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें कैसे होते हैं, 1 इज मीडियन और 2 होती हैं उसके लेटरल जो साइड होती है उसमें प्रेजेंट होती है, जो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ती है कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, और इस पर क्या रहता है, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस की प्रेजेंट रहती है। और ये एपिडर्मिस कैसी होगी, आपकी सिंगल लेयर होगी, और इस एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल का सीक्रेशन करती है, जिसकी वजह से एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल का एक कवरिंग हो जाती है, ठीक है। और ये कवरिंग जो है ये भी कैसी होगी, आपकी सिंगल लेयर्ड होगी। इसमें बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं, कुल ये जो गिल बेस बोलते हैं इसे हम, ठीक है। ये गिल बेस किसके बने होंगे, आपके कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। और अगर हम बात करें, इसमें 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होंगी, पिगमेंटेड सेल एंड ट्रांसपेरेंट सेल। पिगमेंटेड ट्रांसपेरेंट सेल्स जो होती हैं वो एक दूसरे से किस फॉर्म में रहती हैं, हमेशा अल्टरनेटिव फॉर्म में रहेंगी, ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा, यस गुड। चलें फिर आगे बात कर लेते हैं हम।
ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। मुझे कुछ दिखता नहीं है इस पर। सेकेंड ईयर आप लोग जरा रिजर्न करें।